टी20 विश्व कप में विराट कोहली लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, टीम इंडिया के पास अब क्या विकल्प है? ये जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आयरलैंड के खिलाफ 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर विराट कोहली चलते बने। पाकिस्तान के खिलाफ बुरा प्रदर्शन इसके बाद भी जारी रहा। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने 4 रन बनाकर आउट हो गया। भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप में लगातार विजेता है। टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की अगुवाई में जीत की हैट्रिक लगाई है। भारतीय टीम भी सुपर 8 राउंड में पहुंच गई है। अब तक भारत ने अमेरिका, पाकिस्तान और आयरलैंड को हराया है। भारत के 3 मैचों के बाद 6 पॉइंट्स हैं। लेकिन इन जीतों के बावजूद टीम इंडिया को बड़ी चुनौती सामने आई है। दरअसल टीम इंडिया के महान बल्लेबाज विराट कोहली लगातार बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्रिकेट विश्लेषकों का मत है कि भारतीय टीम को अभी इससे कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन सुपर 8 राउंड में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। विराट कोहली ने आयरलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान के खिलाफ बुरा प्रदर्शन इसके बाद भी जारी रहा। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गया। भारत के प्रशंसकों ने अमेरिका के खिलाफ विराट कोहली से बड़ी उम्मीदें रखी थीं, लेकिन पूर्व कप्तान ने निराश किया। अमेरिका के खिलाफ पहली गेंद पर विराट कोहली ने पवेलियन का रुख किया। अब तक विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप के 3 मैचों में मात्र 5 रन बनाए हैं। इसलिए विराट कोहली की खराब प्रदर्शन ने भारतीय टीम को मुसीबत में डाल दिया है। टीम इंडिया का अंतिम ग्रुप मैच कनाडा के खिलाफ होगा। 15 जून को भारत और कनाडा की टीमें आमने सामने होंगी। भारतीय टीम फिर सुपर 8 राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। 24 जून को सेंट लूसिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें खेलेंगे। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि विराट कोहली कनाडा के खिलाफ सुपर 8 राउंड मैच से पहले अपनी फॉर्म में वापसी कर पाते हैं या नहीं। भारतीय प्रशंसकों को सुपर 8 राउंड से पहले राहत मिलेगी अगर विराट कोहली कनाडा के खिलाफ रन बनाते हैं। और क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जीतेगी? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखें। यदि आपको यह कंटेंट पसंद आया है तो कृपया हमारी चैनल इनिंग्स इनसाइडर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।